अगर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या स्टूडेंट हो, कम स्क्रीन टाइम देना है आपको, नहीं बैठ सकते 24 घंटे लैपटॉप के सामने की ट्रेडिंग करनी, फिर भी शौक है ट्रेडिंग सीखने का या फिर भी पैशन है, तो ये वीडियो इतना काम का है कि मतलब आज तक मैंने इतना इंपॉर्टेंट वीडियो निकाला नहीं होगा स्विंग ट्रेडर्स के लिए। स्विंग मतलब जो इंट्राडे नहीं होता, आप 1, 2, 3, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीना वगैरह जो ट्रेड होल्ड करते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वीडियो को देख करके समझने की। सबसे बड़ी बात, मैंने पता एक चीज अलग करी है जो कभी कोई यूट्यूबर करके देता नहीं है। हर कोई क्या करता है, पास्ट का डेटा निकालते, देखो यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री करनी थी, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ पैरेलल लाइन का, हमको एंट्री करनी थी, देखो ट्रेंड लाइन टूटी, शॉर्ट करना था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने पास का डेटा एनालाइज नहीं किया है, वो तो कोई भी कर सकता है। मैं तो वैसा वीडियो 12 घंटे का बना दूंगा, मैंने अब आगे क्या हो सकता है उसका एनालाइजेशन करके आपको दिया है। ये वीडियो 38 मिनट का है मेन कंटेंट, इंट्रो आउट्रो छोड़ के, तो समझ सकते हो कितना टाइम और फोकस देना पड़ेगा। सैटरडे नाइट है, अगर पार्टी वगैरह नहीं कर रहे हो तो आराम से आज रात को देखना, पार्टी करोगे कल सुबह देखना, बट हड़बड़ी में नहीं देखना इस वीडियो को, आराम से लाइक करके छोड़ो और पूरा देखो, पूरा देख के मेरे को फीडबैक भी चाहिए। चलो आपसे आउटरो में मिलता हूँ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं द मोस्ट रिलैक्स फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, कैसे अपन कर सकते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ इसमें बताऊंगा, जस्ट वॉन्ट योर फोकस, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने tradingview.com पे आते हैं। आपको आई होप आपको मालूम है tradingview.com तक आपको कैसे पहुंचना है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। tradingview.com पे आओगे और ये यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिलेंगी, इनको इग्नोर करोगे, कोई भी चार्ट ओपन करोगे, जैसे कि निफ्टी लिखोगे तो निफ्टी ऐसे आ गया, ऐसा आने के बाद ना आपका एक ही बॉक्स खुलेगा, ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। तो चलो अब काम करते हैं, सिंपल सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को समझाता हूँ, जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी और स्टॉक सिलेक्शन का मेथड आपको मैं देता हूँ। सबसे पहले मैं लाऊंगा आपको रूल्स की तरफ। तो ये रहे हमारे रूल्स, ये रहा हमारा रूल नंबर 1 कि आपको एक रैंडम वॉच लिस्ट बनानी है। अभी रैंडम वॉच लिस्ट कैसे बनती है, अभी रैंडम वॉच लिस्ट बनती है यहाँ पे ऐसे। अब इस रैंडम वॉच लिस्ट में क्या करना है, यहाँ पे आप प्लस करेंगे ना तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अदानी पावर ऐड करना है, क्लिक कर आपने, अदानी पावर सबसे आखिरी में आ चुका है, ऐड हो चुका है। तो रैंडम वॉच लिस्ट में क्या, रैंडम वॉच लिस्ट क्यों बोल रहा हूं, कुछ आपको जबरदस्ती ज्यादा चीजें नहीं ढूंढनी है। कितनी बड़ी वॉच लिस्ट हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, आई थिंक 25 स्टॉक्स की हो सकती है, 20 स्टॉक्स की हो सकती है, 15 की भी हो सकती है, 30 की भी हो सकती है, 40 की भी हो सकती है, डिपेंडिंग हाउ थॉरली यू वॉन्ट टू डू द एनालिसिस। तो लेट्स से आपने एक वॉचलिस्ट बना ली, मेरी तरह मेरी वॉचलिस्ट में कम से कम 30, 40, 50 स्टॉक्स तो होंगे ही। तो इस वॉचलिस्ट का यूनिवर्स होना चाहिए निफ्टी 50 के अंदर, थोड़ा और चाहते हो तो होना चाहिए निफ्टी 100 के अंदर, और अगर 150 स्टॉक्स की रेंज के जाके सिलेक्ट करते हो निफ्टी एफ एंड ओ सकती है। इन तीनों वर्ड्स को गूगल करेंगे, निफ्टी 50 स्टॉक्स, निफ्टी 100 स्टॉक्स, निफ्टी एफ एंड ओ स्टॉक्स, तो आपको मेरी लिस्ट मिल जाएगी। अब उन लिस्ट में से जो आपको पसंद होता है उसमें से आप कुछ नंबर्स ले सकते हो। मेरे हिसाब से 30-40 की वॉचलिस्ट काफी होगी। ये मैं मार्केट में आपको सीखने के बोल रहा हूँ, इतने सारे स्टॉक्स में ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सेकंड टाइम, सेकंड रूल है डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। यहाँ पे क्लिक करने से अपन टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 महीने का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 45 मिनट का। 1 डे पे क्लिक करेंगे, जैसे 1 डे का मैंने ग्रासिम का ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब 1 डे का ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, 1 डे का ओपन करने के बाद हमें बोलना है इंटरेस्टिंग लेवल पे कौन सा है, ब्रेकआउट और रिटेस्ट। जैसे ग्रासिम अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसे हटाता हूं तो ग्रासिम 11th नवंबर को प्राइस बनाया था 1876 का या 1895 का, उसके बाद वो वहां से ऊपर नहीं गया। मतलब इस पॉइंट पे सेलर्स काफी एक्टिव है और हमको दिख भी रहा है 2 दिन से, 13 जनवरी से मार्केट नीचे ही जा रहा है, मतलब 2 दिन से। तो ये मेरे रूल में बैठ रहा है, इंटरेस्टिंग लेवल्स पे है ब्रेकआउट के या रीटेस्ट के। तो क्या करा आपने, डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। दूसरा काम है, यहाँ पे नंबर 3 गायब है क्योंकि नंबर 3 इसलिए गायब है क्योंकि मैंने एक पॉइंट रिमूव किया था क्योंकि वो जबरदस्ती का हो जाएगा, बट फर्क नहीं पड़ता, फिर भी फॉर द सेक ऑफ यू नो प्रोफेशनलिज्म लेट्स एडिट दिस, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ द सेकंड थिंग वाज टू फाइंड आउट डेली टाइम फ्रेम इंटरेस्टिंग लेवल पे है क्या, ब्रेकआउट या रीटेस्ट पे है क्या। ग्रासिम आता है निफ्टी यूनिवर्स के अंदर, निफ्टी 100, निफ्टी 50 के अंदर, साथ ही साथ आईटी इसका डेली टाइम फ्रेम पे इंटरेस्टिंग लेवल पे। अब हमको तीसरा स्टेप करना है, ITF या LTF, मतलब कि इंटरमीडिएटरी टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम, या ITF और LTF, ठीक है, इंटरमीडिएटरी या लोअर।
छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। अभी क्या होगा, छोटा टाइम फ्रेम, इसका छोटा टाइम फ्रेम 4 आवर भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, और हमको एंट्री क्राइटेरिया सेट करना है। तो हम आते हैं 4 आवर, थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमको दिखता है कि यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट तो दिया था, साथ ही साथ यही एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो अभी इसको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो हमने देखा कि दिस इज ऑल्सो मेकिंग काइंड ऑफ अ फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न, सो वी विल ब्रेक वेट कि ये अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाना चालू करता है, थोड़ा नीचे आना, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं एज अ ब्रेकआउट ट्रेड। शॉर्ट का क्राइटेरिया बाद में बात करते हैं, दिस इज नॉट अ ट्रेड आइडिया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू एक्सप्लेन द टू रिमेंबर द रूल्स। ठीक है, अभी रूल समझ में आपको थोड़े बताएंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट ऐसा है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेट अस से यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे लगाना है, यहाँ पे लेट से आपने ग्रीन कैंडल बन जाती है, मान लेते हैं ठीक है बन गई, मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स की अर्निंग्स भी आने वाली है 31 जनवरी को, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ अच्छा मोमेंटम आ सकता है, वो मालूम चलेगा। लेट अस अज्यूम ग्रीन कैंडल बन जाती है, हमारी एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। तो क्या होता है, एंट्री एक्टिवेट होने के बाद हमने एंट्री ले ली, अब हमको अपना स्टॉप लॉस डालना है, लिखा हुआ है उसमें प्रीवियस कैंडल लो, मतलब इस प्रीवियस कैंडल लो या कोई लेवल पे। अगर ये प्रीवियस कैंडल लो है 1844 रुपीज का और 1810 रुपए के नीचे ये है, तो मैं इन दोनों के नीचे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दूंगा। ये रिस्क मैनेजमेंट हुआ। अगला स्टेप है टारगेट सेट करना। टारगेट सेट करने के लिए लेवल्स, अभी ऑल टाइम हाई पे कोई लेवल तो मिलेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, तो हम 200 EMA देखेंगे, वो भी नीचे होगा क्योंकि वो थोड़ा नीचे है मेरे को मालूम है। आखिरी चीज आप कर सकते हैं कि आप पिविट नाम का इंडिकेटर लगा करके मंथली पिविट खोल के थोड़ी हेल्प ले सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। अगर आप आएंगे पिविट इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आके ये डेली जो लिखा है ना सेटिंग्स पे आएंगे, डेली को मंथली करना पड़ेगा और ओके कर देंगे तो अपने ये मंथली पिविट के ऊपर चल रहा है, तो अपन को यहाँ पे टारगेट अज्यूम लेना आसान नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे टारगेट के लिए क्या करना पड़ेगा, अब अपन को करना पड़ेगा टारगेट के लिए RRR मेथड यूज। RRR मेथड मतलब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आने के बाद कि मेरा स्टॉप लॉस कितने रुपीस का लग रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 670 रुपीस का लग रहा है तो मेरे को मेरा टारगेट कम से कम 100 रुपीस बनाना चाहिए, 100 रुपीस का टारगेट या 140 का टारगेट या 150 का टारगेट, मतलब ऐसे करके अपन को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, अभी लाइव एग्जांपल्स देखेंगे, ये तो सिर्फ रूल्स के की बात चल रही है। आखिरी में साइकोलॉजी ये रहेगी कि भाई हमारे अंदर पेशेंस रहना चाहिए और हम लोग या तो स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे या टारगेट बीच में नहीं निकलेंगे। एक तरीका होगा, जब भी हमारा टारगेट, लेट से हमने 100 रुपीज का टारगेट बनाया, हमने यहाँ पे एंटर किया और हमने 100 रुपीज का टारगेट बनाया, अगर हमारा जब टारगेट 50% कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस यहां से उठाकर किसी, लेट से यहां कहीं पे या फिर अपने एंट्री पॉइंट पे रख देंगे। एक बार ट्रेल करेंगे जब हमारा स्टॉप लॉस 50% पार कर जाएगा, और जब वापस मूव करने लगेगा अपना स्टॉप लॉस वापस से उठा करके अपन इस पॉइंट पे डाल देंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग मेथड। तो अभी हो सकता है कुछ बिगिनर्स को काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि यार ये मतलब काफी ऊपर से निकल गई कुछ बातें, तो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुआ मान के चलो, वीडियो अब स्टार्ट होता है। अब यार देखो बहुत आसान है, पुरानी पुरानी जगह जा करके ना निकाल देना कि देखो यहाँ एंट्री करनी थी, यहाँ एंट्री करनी थी, यहाँ एंट्री करनी थी, वो तो सब करते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला, मैं आपको फ्रेश ट्रेड्स बना के दे रहा हूँ, एक नहीं मैं आपको 10 से 12 फ्रेश ट्रेड्स बना के दे रहा हूँ आपके सामने, आपको करके दिखा रहा हूँ हाउ टू एक्चुअली एनालाइज द मार्केट, सिलेक्ट द स्टॉक्स, व्हाट क्राइटेरियाज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एंटर। तो ये रूल्स को यही रहने देंगे, स्टेप को बंद नहीं करेंगे। अच्छा, जो मैं कह रहा था ना, बड़ा आसान है इस तरीके से निकाल देना। ये देखो भाई, मैंने तो आपको देखो यहाँ पे आना कि देखो यहाँ पे बढ़िया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है डेली टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आया, देखो मैंने आपको बताया, बता दिया कि देखो यहाँ पे बढ़िया बुलिश कैंडल बनती है, वो मार्केट ब्रेकआउट होता है, क्या टारगेट हिट हुआ हमारा। ये करना तो कोई भी कर रहा है पूरे यूट्यूब पे, कोई भी कर सकता है यूट्यूब पे, बट अभी से आगे के लिए आप लोग के सामने, आज क्या तारीख है, सैटरडे है, 15 जनवरी है, अच्छा दिन है यार। अब आज के दिन अगर हम आगे के प्लान करें तो कोई मतलब होगा इस वीडियो को बनाने का। तो चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहला रूल फॉलो कर रहा हूँ, रैंडम वॉच लिस्ट पे आ रहा हूँ। आ गया रैंडम वॉच लिस्ट पे मेरी, आ गया मेरी रैंडम वॉच लिस्ट पे, ओके आ गया मेरी रैंडम वॉच लिस्ट पे। एक बार क्लिक किया, अदानी एंटरप्राइज खुलता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगा मैं, सिर्फ ये ना नीचे की बटन पुश करूंगा ऐसे, सिर्फ फटाफट चेंज करूंगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे मेरे लिए आसान हो गया स्क्रॉल करना। टाइम फ्रेम क्या खुला हुआ है डेली, सबसे पहले मैंने खोला अदानी एंटरप्राइजेस। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस खोला मैंने, मुझे इसमें
अच्छा, अब हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है अदानी के बाद जाने का, डेली टाइम फ्रेम में इंटरेस्टिंग लेवल्स देखना है और फिर छोटे टाइम फ्रेम से घुस के कुछ चीजें निकालनी है, और वो तो एंट्री क्राइटेरियाज हो गए, ये तो सब में सेम रहेंगे। एसएल कहां करना है सेट आपको बताऊंगा एक दो एग्जांपल्स में भी, टारगेट कहां करना बताऊंगा एक दो एग्जांपल्स में, बाकी एग्जांपल्स अपने आप समझ जाएंगे। और साइकोलॉजी मैंने बता दी, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कई लोग क्या एंट्री लेते ही डर के मारे एक रेड कैंडल बनती निकल जाते हैं, रिलायंस पे भी सनफार्मा पे भी बहुत सारे मैंने स्विंग ट्रेड किए तो चलते थे चल गए थे, बट कई लोग जल्दी निकल जाते हैं, तो उनको ना टारगेट या स्टॉप लॉस से निकलना है। तो एक जस्ट एक मिनट, तो चलो ठीक है आ जाते हैं अपन अपने वापस से अदानी एंटरप्राइजेस पे। तो अभी अदानी एंटरप्राइजेस पे मेरे को दिख रहा है कि यार मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है और ट्रेन थोड़ा सा स्टेशन छोड़ चुकी है, लेवल पे नहीं लेवल ब्रेक करके आगे जा चुका, छोड़ देता हूँ आगे बढ़ता हूँ। अदानी पोर्ट्स मेरे कोई काम का दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई इंटरेस्टिंग लेवल पे नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल पे अगर मैं आता हूँ तो ये क्या कर रखा है मैंने, ये सपोर्ट लेवल कैसे बना रखा है मैंने, मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये एक टूल है यार फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको क्या है जो बॉटम, कभी भी चार्ट में आपको एक ट्रेंड दिखता है ना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फिर एक रिट्रेसमेंट, तो आप इस ट्रेंड के लोअर पॉइंट पे आते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, टॉप पे जाते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, आगे खींच देते हो। जब ये आगे खींच देते हो तो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं आपको 38.2%, 50%, 61.8%, ये जो रेंज है इसको गोल्डन रेंज बोलते हैं। इस रेंज के पास आप आते हो, आपको दिखता है अपनी गोल्डन रेंज से सपोर्ट लेके ब्रेक कर चुका है, इसमें भी एंट्री निकल चुकी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं जो लाइन है ना दो उनको लाइन खींच दे रहा हूं। अब क्या एंट्री निकल चुकी है, बट किस्मत से अपोलो हॉस्पिटल, प्लीज एक कॉपी पॉज करें वीडियो, कॉपी पेन लेके आए और कॉपी पेन लेकर के पहला स्टॉक जो हमने निकाला अपोलो हॉस्पिटल लिख लें और रीजन भी लिख लेंगे वीडियो पॉज कर करके क्या था, ताकि आज से एक महीने बाद आप वापस से वीडियो को प्ले करेंगे, उधर चार्ट खोलेंगे, देखेंगे कि हमारी जो ये स्ट्रैटेजी है, जो स्टॉक सिलेक्शन मेथड है, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो माइंडसेट है, ये जो डेटा एजुकेशन आपको मिल रहा है वो कितना वैलिड है आपको मालूम चलेगा। तो अभी आप लिख लें पहला स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल है, और यहां पे क्या मैं अगर इस दिन घुस पाता तो मैं बोलता घुस गया, लेकिन एक महीने तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करके यहां पे बैठा हुआ है। अब क्या है अपोलो हॉस्पिटल जो है सपोर्ट ले रहा है, मैंने क्या बोला था क्राइटेरिया में, इधर ब्रेकआउट और रीटेस्ट। रीटेस्ट क्या होता है, जब कभी भी आप कोई स्टॉक कोई लेवल को ब्रेक देते हैं, आप आते हैं आते हैं आते ब्रेकआउट देते हैं और वापस उस लेवल पे आते हैं, पहले रेजिस्टेंस था तोड़ दिया था, आज सपोर्ट बन के सपोर्ट देगा, तो ये रियल ट्रेड ऐसे स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड रीटेस्ट। मैंने अपने पुराने कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी नहीं तो ब्रेकआउट होता है, कई बार वो अपने गोल्डन लेवल से सपोर्ट ले रहा है। गाइज यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल मिलती है अपन को, हमको इस पे एंट्री करनी है, और एंट्री करने के बाद हमको अपना जो टारगेट लेवल्स है, टारगेट लेवल कैसे बनाएंगे, अच्छा स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसके लो के नीचे, या अभी के हिसाब से बताओ एंट्री करनी है तो अभी एंट्री नहीं कर सकते, रेड कैंडल है ग्रीन पे ही करेंगे, बट वो उसके लो के नीचे यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगला आप बोलेंगे अच्छा टारगेट कहाँ मिल रहा है, ऑब्वियसली एक जो फिर मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेता है तो ये हमारा टारगेट नंबर वन बनेगा और ये हमारा टारगेट नंबर टू बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी अवर टारगेट इन अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसका टारगेट आपको मेरे हिसाब से 11 फरवरी तक मिल भी जाना चाहिए, क्योंकि 11 फरवरी को इसकी अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाली है, उसके आसपास दो चार दिन आगे पीछे में आपको ये दोनों टारगेट अचीव होते हैं, 5300 रुपीस के एंड 5750 रुपीस के, 5800 रुपीस मान लो आप, 5800 रुपीस के लेवल आपको टारगेट मिलते हैं। पहला अपोलो हॉस्पिटल टारगेट क्या बनाया मैंने आपको बोला रूल फॉलो कर रहा हूं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट रीटेस्ट, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना ही नहीं पड़ा, कई बार जाना नहीं पड़ता क्योंकि अभी मार्केट खुला होता तो अलग बात थी, बट अभी जाना नहीं पड़ा ऐसे ही समझ में आ गया। पहला स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल। ऑरो फार्मा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें अपन ने स्विंग ट्रेड एक्टिवेट किया था बट ये स्टॉप लॉस खा गया है, तो इससे अपन को बाहर आना है, शॉर्ट करना है कि आई डोंट वांट टू शॉर्ट दिस, आई फील इट माइट गो डाउन बट आई एम वांट टू इग्नोर द स्टॉक, इसमें बहुत अच्छा प्राइजेक्शन लेवल नहीं है। एक्सिस बैंक पे आते हैं, अब एक्सिस बैंक पे आने के बाद मैं इसको अभी बंद कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, देखें आप एक्सिस बैंक पे आ गए, ओके एक्सिस बैंक पे आ गए, अभी एक्सिस बैंक में फिर से वही चीज हुई है कि एक ब्रेकआउट देके मार्केट यहां पे आके रीटेस्ट कर गया है। अभी क्या है, आज क्या तारीख है, 15 जनवरी है, राइट 15 जनवरी है, अभी क्या है आपके सामने सिचुएशन कि दिस लेवल ऑफ 720 रुपीज इज सो इंपॉर्टेंट, इट वॉज अ रेजिस्टेंस एट सम पॉइंट, देन इट गॉट ब्रेकआउट एंड अगेन इट इज नाउ, व्हाट इज दिस, You can see over here, retest, breakout या retest बोला था मैंने, शानदार सिचुएशन है,
रेड कैंडल बनाता है मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाता है मे बी कल नहीं परसों बनाता है ना, मतलब मंडे नहीं ट्यूजडे बनाता है ना, आई एम गोइंग लॉन्ग इन एक्सिस बैंक या बैंकिंग सेक्टर आप देखो, और फिर आपको यह अच्छा टारगेट मिल सकता है। इसमें पहला टारगेट यह बन सकता है, दिस इज द फर्स्ट लेवल वेयर द मार्केट इज स्टॉपिंग इटसेल्फ, रुकता है, ये सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है, दीज आर दी थ्री टारगेट लेवल्स, राइट में लिखे 760, 810, 847, ठीक है। ये थर्ड टारगेट तो अचीव हो पाना बहुत मुश्किल है, बट फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट तो डेफिनेटली हो सकता है, सेकंड की भी ट्राई की जा सकती है। दिस इज एक्सिस बैंक ओवर हियर, ओके। अगर आगे बढ़ते हैं, बजाज ऑटो, आई डोंट सी एनीथिंग ओवर हियर, दिख रहा है आपको प्राइस एक्शन में कुछ भी खास नहीं दिख रहा है। अगर आते हैं इसके आगे, बजाज फाइनेंस, नो नॉट ब्रेकआउट, नो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और डेफिनेटली यहाँ पे एंटर किए होते और इस रीटेस्ट के बाद एंट्री किए होते तो बढ़िया था, अब ये ट्रेन निकल चुकी है, इसे जाने देना पड़ेगा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, रैंडम स्टॉक्स कर रहा हूँ। बंधन बैंक ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छी एंट्री मिली थी, बुलिश कैंडल थी ये लोअर लेवल्स पे, बट इसमें भी एंट्री जा चुकी है। तो पुराना तो मैं अभी मैं पुराने 100 एग्जांपल दे सकता ना, बैक टेस्ट करके चार्ट पे कोई भी एग्जांपल दे सकता है, मैं कभी भी दे सकता हूं, मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जानबूझ के, मैं सीधे आपको फ्रेश ट्रेड्स बना करके दे रहा हूं। दिस इज बाटा इंडिया, इसमें भी मेरी एंट्री जा चुकी है, निकल चुकी है। दिस इज बर्जर पेंट्स, प्रॉपर डबल टॉप तो नहीं बट डबल टॉप के आसपास से गिर रहा है, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। दिस इज एयरटेल, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। लुक एट दिस बीपीसीएल, जो मेरे रूल पे फॉलो हो रहा है, इंटरेस्टिंग लेवल पे है क्या BPCL इस वक्त हमारे इंटरेस्टिंग लेवल पे? लुक एट दिस, दिस इज नाउ माय सिलेक्टेड स्टॉक ओवर हियर, कि यहाँ पे आओगे अब छोटे टाइम, अब अगला क्या लिखा था, ITF और LTF पे जाकर के सेट करो, तो आ जाओ एक घंटे पे या चार घंटे पे, एक घंटे पे आते हैं तो हमको देखने मिलेगा कि एक घंटे पे अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन था, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है, ट्रेंड लाइन तोड़ता, ट्रेंड लाइन का काम है, अब इस ट्रेंड लाइन का काम है, क्या काम है ट्रेंड लाइन का, रीटेस्ट, या इस लेवल का काम है रीटेस्ट प्रोवाइड करना। इसको इस लेवल से नीचे चले जाना चाहिए था अगर सेल एंट्री एक्टिवेट होती है तो, ये ट्रेंड लाइन डायरेक्टली टूटती तो मार्केट नहीं गिरता, एक बार रीटेस्ट होने के बाद यहां कहीं पे एंट्री एक्टिवेट होती है फिर से, तो वो तो हुआ नहीं अभी तक, हो सकता है हो जाए। तो बीपीसीएल पे आपको नजर रखनी है, बीपीसीएल अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ बहुत सॉलिड अपन को ट्रेड मिल सकता है, और अगर नहीं दे पाता ना, अगर रेड बना देता है, रेड बनाने के बाद 388 के माइनस सपोर्ट को तोड़ देता है, ये बढ़िया सेल ट्रेड बनेगा। तो इसमें दोनों चीजें पॉसिबल है, सेल या बाय आपके सामने है सिचुएशन, यू कैन जस्ट कीप एन आई ऑन दिस। नेक्स्ट कमिंग बैक टू द डेली टाइम फ्रेम एंड चेकिंग द मार्केट, ब्रिटानिया कुछ खास नहीं मिल रहा, सेंचुरी ये अलग चीज बनाई हुई है मैंने, वो डिफरेंट चीज है, बाद में बताऊंगा। जैसे इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स आ जाएंगे, एक और वीडियो रिलीज करूंगा आप लोगों के लिए, कई सारी चीजों की तैयारी है मेरे पास। डाबर में देखो कुछ खास नहीं, ब्रेकआउट कर चुका, रीटेस्ट में फेल हो चुका है, ये डबल टॉप बना रहा है बट वापस से ग्रीन बना रहा है तो रुकेंगे। आयशर मोटर ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका है, एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, गेल इंडिया में कुछ खास नहीं दिख रहा है, गोदरेज में मतलब बीच में नहीं, बीच में कहीं पे, ग्रासिम इंडस्ट्रीज में मेरे को कोई अभी अलग चीज है, हैवेल्स इंडिया में ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा, मैंने एक बार ऑलरेडी थॉरोली देख लिया इसलिए इतने जल्दी कर पा रहा हूँ, यू कैन स्लोली स्लोली ऑल्सो वॉच, नो प्रॉब्लम। HCL आई डोंट थिंक, लेकिन देखो सीखने वाली बात क्या, कहाँ रुकूंगा वो जरूरी हुई ना, स्किप कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा भी मेरे को मजा नहीं आया मैं स्किप कर दे रहा हूँ। दिस इज हाउ, जिनके पास बड़ी वॉच लिस्ट है वो लोग इतना धीरे धीरे नहीं कर सकते हैं, हटाओ नहीं समझ में आ रहा हटाओ तुरंत हटाओ, छोटी वॉच लिस्ट वालों को बहुत ज्यादा एक ही स्टॉक में देखो एंट्री बनाने लगते हैं लोग, नहीं नहीं यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे तो वैसा होगा, अब वैसा बनाओगे तो फेल हो जाओगे ज्यादा, क्या होता है ना, अगर आप अपने से एंट्री क्राइटेरिया बनाने लगोगे तो दिक्कत होगी। तो आपको ना इजीली दिखता है तभी, अगर बड़ी वॉच लिस्ट है तो इजीली दिखता है तो ही आपको करना चाहिए। नो 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 ICICI बैंक, नो नॉट येट, नो, ओके ओके ओके। इंडसइंड बैंक, अगर मैं इंडसइंड बैंक आपको दिखाता हूँ यहाँ पे तो ये भी मेरा किसी और क्राइटेरिया में जाएगा, इन्फोसिस ऑलरेडी जा चुका है, ITC जिंदल ऑलरेडी जा चुका है ऊपर, JKS जा चुका है, JSW स्टील भी कोई काम का नहीं दिख रहा है, जस्ट डायल भी कोई काम का नहीं दिख रहा है, कोटक बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस। लुक एट दिस, अभी क्राइटेरिया दिखाते हैं, मार्केट दिख रहा है मेरे को कि एक अप ट्रेंड में था, इसको मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ क्योंकि अप ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन ने अपना काम कर दिया है, कि इट गेव द सपोर्ट,
क्रूशियल ब्रेक करके कंसोलिडेट कर गया है। अभी ये भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को जब मार्केट ना एक छोटे से लेवल पे कंसोलिडेट हो जाता है। तो अब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मेरे लिए ये जो कंसोलिडेशन बॉक्स है, थोड़ा स्मूथ करूंगा, ये मेरे लिए अगर एंट्री कर चुका हूं तो बिल्कुल। और आप लोग अगर आई होप आप में से कोई अगर स्ट्रेट के अंदर है, ऑरो फार्मा में तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इसमें नहीं हुआ, इसमें होल इंडिया में भी टारगेट चल रहा है आपको मालूम है, पिछले हफ्ते का मार्केट एनालिसिस था। इसमें जब तक की मार्केट इसके नीचे नहीं आता ना 370 अपना स्टॉप लॉस आप रोक के रखना। स्टॉप लॉस आपका जाएगा जब मार्केट इस 370 उनके लेवल के नीचे ट्रेड करेगा, ठीक है, स्टॉप लॉस देन। और अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो कीप द अपसाइड पोटेंशियल है इसमें अभी भी। इसमें कैसे टारगेट बनाना है, जैसे लेट्स से 200 EM अपन ने खोला, देखो ये हमारा टारगेट बन सकता है, ये लिखा ना स्टूल्स में टारगेट। SL तो मैंने बता दिया आपको, SL भी बताया कहां लगेगा लेवल के नीचे। टारगेट क्या लिखा है, इधर 200 EM चेक करेंगे, मंथली पिवट देखेंगे, RRR देखेंगे, मंथ ये भी एक टारगेट मिल रहा है, ठीक है। मंथली पिवट खोल दूं तो मंथली पिवट में बस तीन लेवल्स अभी भी बचे हुए हैं, इधर टारगेट नंबर 1392 406 एंड 428। तो दीस टू विल हेल्प यू बुक द प्रॉफिट्स। स्टॉप लॉस भी बता दिया, साइकोलॉजी बता दिया, बीच में नहीं निकलोगे, बीच में नहीं निकलोगे। अगर आपका जब पहला टारगेट ये कंप्लीट होता है, R1 आपका कंप्लीट होता है और R1 के ऊपर मार्केट ज्यादा है, तो आप कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस R1 जैसे 392 पे, तो 390 के थोड़ा नीचे ऐसे थोड़ा यहां कहीं पे स्टॉप लॉस लगा लोगे। जब आपका ये टारगेट पूरा होता है तो फिर आप इसके नीचे इसे ट्रेल करते जाते हैं। तो बट ना, जब तक 50% टारगेट हिट नहीं होता या तो टारगेट वन हिट नहीं होता, तब तक आपको ट्रेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो आई होप यू आर गेटिंग हेल्प अबाउट स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑल्सो। अब ठीक है, तो देखो अच्छी एंट्री क्राइटेरिया है इसमें, मार्केट ने एक लेवल ब्रेक किया, ऊपर जाने का प्लान कर रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिख लो, जिस दिन में मैंने ब्लू कर रखा है ना, वो मेरे लिए अच्छे ट्रेड्स बने हुए हैं, ठीक है। इंडसइंड बैंक में भी मैंने क्या बताया आपको, इसमें भी हमको एक अच्छा बाय टारगेट मिल सकता है, इसमें भी 200, ये हमारा टेस्टिंग लेवल है, सॉरी आई वांट टू से ये हमारा टेस्टिंग लेवल है। अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, हमको इस एरिया पे देखना है कि हाउ द मार्केट इज बिहेविंग ओवर हियर, मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ से अगर मार्केट ना इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता है तो इट्स गोइंग टू बी गुड सेल, और अगर तोड़ता तो गुड बाय। चलो ठीक है, और देखते हैं, इन्फोसिस देख लिया, JKC देख लिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस देख लिया कि ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, ल्यूपिन भी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, मारी को दम नहीं बचा इसमें। दिस इज मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी में क्या है देखो, ये हियर इज द डबल टॉप, काइंड ऑफ डबल टॉप से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगेन ये शायद एक सॉलिड ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि क्या इसने एक रेजिस्टेंस लेवल सेट कर दिया है, तो यहाँ पे ना बाय और सेल दोनों पोजिशन बनती है। दिस इज गोइंग टू द बेस्ट पॉइंट जहां पे अपन को सेल करना है। इस पॉइंट के नीचे मार्केट जाता है, हमको बिना सोचे समझे सेल करना है। डबल टॉप स्ट्रक्चर है, बढ़िया से पहला टारगेट यहां मिलेगा 7588 और दूसरा टारगेट यहां मिलेगा 7283। तो दिस इज अ सेल बिलो दैट लेवल, या तो फिर अगर कल ये उठना चालू तो ब्रेकआउट देता है ना, तो ये ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है मारुति सुजुकी। सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ प्राइस एक्शन ट्रेड, अब मेरे स्टॉक सिलेक्शन लिस्ट में ये आएगा। एक्चुअली दिस इज समथिंग एल्स, हाँ ये थ्योरी मैंने जो बताई एकदम परफेक्ट बताई, बट इसके लिए एक डेडलाइन दे रहा हूँ, 25 से 26 जन तक आप लॉन्ग एग्जिट कर दोगे अगर लॉन्ग जाते हो तो, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। माइंड ट्री में मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये रहा एक, एक, एक इसको मेरे को, दिस इज अ ग्रेट ओके। यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को दिख रहा है कि ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। आप बोलेंगे कट गई, नहीं कटी, मार्केट इसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया कि एक बार भी नहीं दिया होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे द मार्केट यहाँ अब बन गया परफेक्ट, देखो मार्केट कभी इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ओपन हुआ है, ये रेड वाला कैंडल का ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन हुआ है क्लोज नहीं हुआ है। तो दिस इज अ गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो माइंड ट्रिक के ऊपर भी नजर रखनी है आपको, जब ये ट्रेंड इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा अपन को ट्रेड मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा जा चुका अभी तो फिलहाल उसमें से, ये रहा मेन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, देखो बढ़िया है, इसके ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं दिया 167 के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, डोजी कैंडल, रेड कैंडल, इधर कुड बी अ गुड डबल टॉप पैटर्न और अ गुड ब्रेकआउट। तो यहाँ पे भी अपन को अपना ना ध्यान रखना है कि अगला एक्शन अगर रेड होता है ना, तो फिर अपन को ना मिलता है यार यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। और अगला एक्शन अगर ग्रीन बन के तोड़ता है ना, तो हमको अपसाइड टारगेट मिलता है, जो आपके सामने बना के दे रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। सो अगेन स्टॉक सिलेक्शन क्या किया मैंने, मैं अपनी आंखों से हार्डवर्क करके देख रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे चीजें हो रही है।
जा चुका है यहाँ कहीं मिलता, अगर ये वीडियो यहाँ कहीं बना रहा होता तो बताता है, एनटीपीसी में भी दम है अभी ट्रेड करने के लिए, ओएनजीसी में भी था स्टैंडल के आसपास, बट पुराना डेटा तो कोई भी निकाल सकता है। पीईएल दिस पिरामल इंटरप्राइजेस, ये स्टॉक कैसा है ना, इसको उसकी कैंडल, इसकी देखो मूवमेंट देखो, ये ना जब ट्रेंड पकड़ता है तो स्ट्रॉन्ग पकड़ता है, ये जिगजैग नहीं करता था, और जिगजैग करता तो आराम से जिगजैग करते को, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वापस, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करता, तो अभी क्या, अब ये आ गया बढ़िया कंसोलिडेटिंग मोड में, तो इसमें बन रहा है ये वाला पैटर्न मेरा। और इसकी जो कैंडल्स का साइज है थोड़ा सा रिसेंट 2 दिनों में छोटा हो चुका है, तो हमको देखना है कहाँ ये पैटर्न के नेक बॉटम पे आता है 2-4 दिन के अंदर, और पिरामिड जिस तरह ब्रेक डाउन देगा मोस्टली अब देना चाहिए, अच्छा ट्रेड मिलेगा अपन को पिरामल इंटरप्राइजेस में। नाउ दिस इज अगेन अन अ गुड ट्रेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एक अगेन एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये आ चुका है, अगर ये एक ब्रेकआउट देता है यहाँ पे ग्रीन या रेड दोनों तरफ अपन को ट्रेड मिलेगा पावर ग्रिड, दिस इज अगेन अ ग्रेट पैटर्न ओवर हियर, देख देख के मैंने अलग तरीके से निकाला। अब बात करते हैं पीवीआर की, वाई पीवीआर, पीवीआर ने क्या देखो ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ और अभी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, टाइम है पीवीआर का रीटेस्ट करने का लेवल्स को, तो अगर पीवीआर अपने इन लेवल्स को मतलब का मान के चलो 1489, 1489 के नीचे स्टॉप लॉस जाएगा, 1488 का या 1485 का मान के चलो स्टॉप लॉस जाएगा, एक्चुअली स्टॉप लॉस जाएगा हाँ ठीक है 1489 हमारा स्टॉप लॉस जाना चाहिए, हम कंजर्वेटिव भी बन सकते। मैं क्यों ये स्टॉप लॉस बोला, मैं और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये क्या बोलते हैं रिट्रेसमेंट, एक्चुअली मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे स्टॉप लॉस दे दूंगा, फिलहाल देखेंगे स्टॉप लॉस तो 1415 12 के ऊपर जाएगा, बट बाय तभी करेंगे जब एक बार ना रिसेंट हाई दोबारा से ब्रेक कर दे, अगर मन को इंट्राडे लेवल पे भी मिलता है ना अच्छा ब्रेकआउट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग होती है ना, आ जाते हैं ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, थोड़े टाइम फ्रेम पे देखो इसने अपने आप को ना कंसोलिडेट किया थोड़े समय के लिए, ये देखो जस्ट कंसोलिडेटेड इटसेल्फ ओवर हियर, तो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हो रहा है, तो 1 घंटे की कैंडल ही चाहिए ना मेरे को ऊपर की तरफ, 1 घंटे की कैंडल आएगी ना मैं पीवीआर में एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रेड अपसाइड, और अगर वापस से ये अपने जोन के अंदर घुसता है ना, जैसे ये जो टेरिटरी है 1500 के नीचे आता है ना, माइट यू नो स्टार्ट फेलिंग डाउन। SBI में क्या प्राइस एक्शन बनाया देख लो, SBI में हाँ SBI में क्या प्राइस एक्शन बनाया है देखो, ये तो चला गया, गॉन अपॉर्चुनिटी है, अब देखो रीसेंट यहाँ पे रीसेंट प्राइस एक्शन कहाँ बना हुआ है, आप देखेंगे कि ये ना 500 रुपए के आसपास बना हुआ है, ठीक है 500 499 की 497 498 के आसपास बना हुआ है, तो जो ये जो ब्रेकआउट है इस ब्रेकआउट को, ये ब्रेकआउट देखो बड़ा बड़ा कैंडल था, ग्रीन बिग पावर कैंडल्स थी, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया, अब साइज देखो ना एनआरसी बोलते हैं नैरो रेंज कैंडल और वाइड रेंज कैंडल, एनआरसी बना रहा है, एनआरसी मतलब छोटी छोटी बॉडी वाली कैंडल, मतलब मोमेंटम लॉस दिख रहा है, अगर ये करते आता है रिट्रेसमेंट तो वी कैन सी अ लिटिल बिट फॉल 1-2 दिन के अंदर, जो 500 रुपए के लेवल को टेस्ट करेगा, जब ये 500 रुपए के लेवल को टेस्ट करेगा ना तो यू विल कम टू सी दैट 500 रुपए के लेवल पे वहां पे और भी मूविंग एवरेज है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का 200 मूविंग एवरेज है वहां पे, तो वहां पे ना प्राइस एक्शन लेवल भी, तो मैं यहाँ पे प्लान क्या करूंगा, अब मैं क्या ना ये भी मेरे को पसंद नहीं है ऐसी चीजें रखना जो काम की नहीं फिर भी सजा के अगर रखते हैं अपन लोग एज अ ट्रॉफी, इसको हटाओ, यहाँ पे जैसे ही ये इन लेवल्स पे आके प्राइस एक्शन देखे ना बुलिश भाई, बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा SBI के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेड बनेगा, कीप एन आई ऑन SBI, कीप एन आई ऑन SBI, SBI माइट हिट इट्स ऑल टाइम हाईस, SBI might hit its all-time highs very soon. Just have to wait for a bullish signal from SBI. 534 के ऊपर का टारगेट कहीं नहीं गया आपके लिए. All right, तो आगे बढ़ते हैं. श्रीराम ट्रांसपोर्ट बेयर फ्लैग बनाने की कोशिश कर, बट मैं छोड़ दूंगा उसको, क्योंकि उसको छोड़ूंगा क्यों, मतलब मैं यहाँ पे भी एक अपना एक पैटर्न तो डाली दू ताकि मैं बार बार देखू तो मेरे को शायद ही दिख जाए ब्रेकआउट होता हुआ, देखेंगे इट्स काइंड ऑफ मेकिंग अ बेयर रन एंड अ बेयर फ्लैग, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट सपोर्ट के तो वापस वापस से एकदम रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है, दिस इज ऑल्सो अ गुड सेल ट्रेड, अब बाय जाएगा तो मैं इसको इग्नोर करूंगा,
बाय भी जा सकता है, मैं इसको इग्नोर ही करूँगा, जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होना, आपका दिमाग लड़ गया यार ये वो, तो यहाँ पे बात ना आपके कन्विक्शन की है, यहाँ पे बात आपकी थ्योरी की नहीं है, यहाँ पे कन्विक्शन, कोई चीज में कन्विक्शन नहीं तो ट्रेड लेके छोड़ दोगे। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू, विल कम बैक टू सन सन फार्मा, मैंने बहुत दिन पहले बताया था, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो एक इन्वर्टेड हेड एंड छोटे टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा आपको, कि मैंने बोला था एक बढ़िया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और वो ब्रेकआउट होगा तो अपन को बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये देखो 17th के आसपास मैंने बताया था, ये मंडे मार्केट एनालिसिस था, अगले दिन मार्केट एनालिसिस मंडे रहा 20th का, ऐसा ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट आज कहाँ है आप देखो, तो ये तो जा चुका है, बट वही है ना, जा चुकी बात है, तो मैं 1,00,000 फिर मैं 10 घंटे का 12 घंटे का वीडियो बना के डाल दूंगा, और आप लोग देखोगे भी, आपको अच्छा लगता है ना लंबा वीडियो देखना, लर्निंग मिलती, बट वो क्या मतलब ना, वो तो आप खुद भी कर सकते हो, आगे का बना के देने से क्या होगा ना, आपका विजन आगे का बनेगा। सन टीवी नेटवर्क छोड़ दो, हटाओ, टाटा मोटर्स बाद में बताऊंगा इसमें कुछ, अपन को कुछ अच्छा मिलता है क्या, उसमें एंट्री जा चुकी है। टाटा स्टील में भी अब फ्रेश ब्रेकआउट, लुक एट दिस, टाटा स्टील हैज गिवन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर विद अ ह्यूज वॉल्यूम, आई हैव चेक द वॉल्यूम्स ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, बट एंट्री करते यहाँ पे करते तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो लेट्स वेट फॉर अ पुल बैक, लेट्स वेट फॉर अ रीटेस्ट। टाटा स्टील हमारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं ना, रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग वेट करेंगे रीटेस्ट पे, लेवल पता अपन लोगों को कौन सा है लेवल, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं, कोने दो ब्रेकडाउन देगा, हो सकता है अपन को एक सब वो मिल जाए, इंट्राडे ट्रेड भी मिल जाए, यहाँ कहीं से वापस ऊपर जर्नी स्टार्ट करेंगे तो मिलेगा। TCS ने तो भाई कर दिखाया अपना काम, अब इसका भी बस अभी धोखा ही करेगा थोड़ा क्लाइंट अपने रिटेलर्स के साथ, इसमें जो होना था वो हो चुका है फिलहाल के लिए, इसका पीछा अपन छोड़ेंगे। यहाँ कहीं पे एंट्री था इसमें कंसोलिडेशन, फिर से एंट्री आई थी, टेक महिंद्रा भी मैंने आपको बताया था वो सपोर्ट लेवल ले रहा है वहां से, बट अभी छोड़ दो कुछ खास नहीं है। टॉरेंट फार्मा छोड़ दो फिलहाल, UBL छोड़ दो, अल्ट्राटेक छोड़ दो फिलहाल के लिए, UPL भी छोड़ दो। ओके, दिस इज वेदांता लिमिटेड वर्किंग इन एन ट्रायंगल पैटर्न एंड मेकिंग NRCs, नैरो रेंज कैंडल सिंस पास्ट 1 वीक, छोटी मतलब 5 जनवरी से रेंज छोटी कर चुके, क्या पता नीचे तरफ ब्रेकडाउन दे दे, कीप एन आई ऑन वेदांता एज वेल। ओके, नाउ वोल्टास में प्राइस एक्शन है मेरे पास, तो दिख रहा है वोल्टास में एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ट्रिपल बॉटम रन और ग्रीन कैंडल, दिस इज अ ग्रेट ट्रेड जब ऑल टाइम हाईस की तरफ जाते हैं, फिर भी मैं बोलूंगा हमारी जर्नी क्या है थोड़ी सी ऊपर जा चुकी, मैं तो चाहूंगा वापस से जब ये रीटेस्ट करे तो यहाँ कहीं मेंटर करूं, तो वोल्टास में मैं रीटेस्ट फिर पकड़ना चाहूंगा, दिस इज गुड स्टॉक अगेन। विप्रो छोड़ दो, गैप डाउन खुल गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जी वेरी नाइस, क्यू वेरी नाइस, बिकॉज सी The consolidation it is making, it has made a low of 317, closing नहीं देता, opening देता है उसके नीचे 317 के नीचे, closing नहीं देता, तो ये इतना crucial support level है, अगर ये टूट जाएगा तो Z में मतलब बहुत बड़ा fall आ सकता है, बहुत बड़ा fall आ सकता है, तो Z के लिए ये level के कारण ना, तो मैं थोड़ा इसको नीचे ही कर लेता हूँ, 315, 315 का जो level है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, उसको बचा रहा है उसको, तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना है जी का, कि अगर जी वापस इन लेवल्स के आसपास जाके तोड़ देता है तो अच्छा सेल अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है, और बाय भी मिल सकता है अगर हायर लेवल्स को तोड़ दो, तो अदानी पावर आखिरी स्टॉक है जो मेरा लिस्ट में था तो खत्म हो गया, तो क्या समझ में आया यार आपको, व्हाट एग्जैक्टली यू लर्न ओवर हियर टुडे, क्या समझ में आया आपको, आपको समझ में आया कि आप अगर आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आप देखो, तो सबसे पहले तो आपको ही समझ में आया कि अगर आपको लगता था कि मैं कोई सा सॉफ्टवेयर यूज करके चीजें निकालता हूं, तो नो देर आर थिंग्स लाइक यहाँ पे आके ट्रेडिंग व्यू पे आके ना, स्टॉक स्क्रीनर पे आके, टेक्निकल्स पे जाके, बहुत सारी चीजें, वॉल्यूम लीडर्स दिखा रहा है, टॉप गेनर, बहुत सारी चीजें ये भी देता है, आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बोलेंगे तो कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे को वो मेथड क्या है ना, वो मेथड मेरा दिमाग बहुत फिल कर देता है बहुत फालतू डेटा से, तो व्हाट आई प्रेफर इज इफ आई एम सिटिंग फॉर यू नो, अच्छे से अपना फिलोसफी पूरा 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 व्यू बना रहा हूं, पूरा फिलोसफी बना रहा हूँ, पूरा डेटा बना रहा हूँ अपने लिए एक महीने के लिए लेट से, या एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए, पूरा एक महीने की प्लान करो स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिर्फ, तो डेली टाइम फ्रेम पे आके मैं सारे स्टॉक्स देखना प्रेफर करूंगा, और वो डेफिनेटली
वीकडे के दिन नहीं, वीकेंड, सैटरडे के दिन, जैसे सैटरडे शाम है तो देखने के बाद मेरे को ना मैं कलर कर लूंगा उनको, आप कॉपी में लेके मैंने कलर कोड कर लिया, मेरे सारे के सारे जो प्राइस एक्शन वाले हैं पूरे मेरे इस लिस्ट में है। अब इनमें से मैं कौन से चूज करूंगा आपको कल मार्केट एनालिसिस में मालूम चलेगा, कल मार्केट एनालिसिस में आपको मालूम चलेगा यार इनमें से मैंने कौन से चूज करे, क्या क्राइटेरिया चूज किया। तो आपको लगभग लगभग ये दिखा दिया मार्केट में बनाता भी कैसे हूं, तो आई हैव टू गो थ्रू ऑल दी स्टॉक्स, आई हैव टू गो थ्रू ऑल दी स्टॉक्स लाइक दिस, रैंडम वॉच लिस्ट, गो थ्रू डेली टाइम फ्रेम्स, इंटरेस्टिंग लेवल्स, ब्रेकआउट या रीटेस्ट, देन कम टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, 1 घंटा 4 घंटा, देखो वहां पे क्राइटेरिया क्या मिलता है। रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे अगर आपका मान लेते हैं अगर आपका स्टॉप लॉस जो है 10 रुपए का हो रहा है किसी स्टॉक में, है ना, 10 रुपए का हो रहा है, और आपका जो क्वांटिटी है अगर वो मान लो 1000 है, तो सिंपल है आपका लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम 1000 × 10 रुपए, मतलब 10,000। अब आप बोलेंगे नहीं यार 10,000 तो मेरे कैपिटल के हिसाब से, लेट्स से आपका कैपिटल, लेट्स से आपका कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख के कैपिटल में 10,000 का नुकसान आपको चलता है, नो प्रॉब्लम। आपको नहीं चलता तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि मैं 5% तक लाऊं, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों बोला 10% चलता है, तो क्योंकि मैं बताऊं मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम चीजें इंसान खुद की खुद डिसाइड करता है, बट डेफिनेटली 10% ऑन अ स्विंग ट्रेड इज नॉट गुड, आई बिलीव इट्स मोर, 5% इज ओके। लोग बोलते हैं 1%, 2%, भाई तो मिलियन डॉलर टारगेट है ना आपका कैपिटल, तो 1% करो, 2% करो, ये छोटे मोटे जो कैपिटल है उन लोग भी 1% 2% ट्रेड करोगे तो क्या ही कमाओगे, लेवरेज भी मिलता नहीं है, तो इस लेवरेज भी जा चुका है। तो अगर 5% पे लाना है, आप अपना लॉस 5,000 करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 5 रुपए कर दो, ये ऑप्शन है जो बहुत ही घटिया ऑप्शन है। इसके यार इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर टारगेट हिट होगा, आपको रोना आ जाएगा, फालतू का 5,000 का लॉस लेके बैठे हो जबकि आप कमा सकते थे 20,000 रुपए या 12,000 रुपए। तो आपको यहाँ पे इस मेथड को यूज नहीं करना, लेकिन आपको अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे 500 कर देना है, नंबर ऑफ शेयर। तो ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, आपका लॉस ऑटोमेटिकली 5% का हो गया। तो दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट आई टोल्ड यू, यूजिंग द स्टॉप लॉस एंड द क्वांटिटी, ठीक है, रिस्क मैनेज यूजिंग द स्टॉप लॉस एंड द क्वांटिटी, यू कैन मैनेज योर रिस्क। टारगेट लेवल मैंने बताए, अपने लेवल बनाओ, 100 DMA बताओ, मंथली पिवट बनाओ, ये तीसरा रास्ता। नहीं होते तीनों रास्ते में तो RRR के हिसाब से जाओ, 1:1.5, 1:2। टारगेट लेवल सेट बता दिया मैंने आपको, पेशेंस रखो कि भाई किसी के बोलने पे, किसी के सुनने पे, किसी कहानी पे, किसी रूमर पे, किसी टीवी न्यूज चैनल वाले के कारण अपना चलता ट्रेड खराब मत करना, उसको या तो स्टॉप लॉस लेना या तो टारगेट लेना, ट्रेलिंग चालू करना स्टेप बाय स्टेप, तुरंत कही गया एक कैंडल बनती, लोग ट्रेल कर देते, अगला रेड बनता बाहर आ जाते, फिर मार्केट ऊपर चल जाता, तो जल्दी ट्रेलिंग मत करो, 50% हो जाए या टारगेट नंबर 1 हो जाए तब ट्रेलिंग स्टार्ट करो। So this is going to be. So guys, I hope you enjoyed my video. This was full of technical knowledge. And the most important thing what I did is मैंने पुराने नहीं दिखाए setups बना कर, देखो यहाँ enter करना, मैंने अभी कहाँ enter करना है कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पूरे 10-12 stocks चलेंगे। जो मैंने बोला मार्केट का फ्यूचर किसी को नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल एनालिसिस कभी नेवर फोरकास्ट, नेवर टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ लेवल्स बेस्ड ऑन द पास्ट लेवल्स एंड देन यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट अ प्लान, दैट इज कॉल्ड ट्रेड योर प्लान एंड प्लान योर ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, ट्रेड योर प्लान एंड डोंट डू एनीथिंग इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, यू हैव टू बी अ रिएक्टिव ट्रेडर, नॉट एक्टिव कि पहले ही बाय करके बैठे भाई ऊपर जाएगा, नहीं, यू हैव टू बी रिएक्टिव कि भाई ग्रीन कैंडल बनी है ना, जैसे टाटा स्टील में हम लोग चाह रहे थे कि भाई थोड़ा सा मार्केट रेड होके फिर से उठना चालू किया ना वेडनेसडे को, भाई यहाँ एंट्री करेंगे ना, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग द ट्रेड एंड एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। तो ठीक है, वो बोलने का एक वो तरीका है जो मैटर नहीं करता, बात मेन घुसनी चाहिए दिमाग में आपके कि देखो बने बनाए रूल्स हैं आपके लिए। तो बेसिकली भले इसका थंबनेल आपने स्टॉक सिलेक्शन मेथड देखा होगा, बट दिस अ फुल एंड फुल होलसम मास्टर क्लास ऑन स्विंग ट्रेडिंग, जिनकी भी जॉब बिजनेस है उन लोगों के लिए, और जितने भी इंटरनेट ट्रेडर्स हैं चाहते थे स्विंग में घुसना, बहुत पीसफुल होता है, मजा आता है, मैं भी करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, आराम से चलता है, यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, 15,000 लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे, जो डेफिनेटली आ जाएंगे, मेरे को मालूम है द क्वालिटी इज वेरी गुड इन द कॉन्टेंट, और आपका ऐसे वीडियो बहुत पसंद था मुझे पता है, तो प्लीज लाइक द वीडियो राइट नाउ, तक किया नहीं था तो, एंड फाइनली शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको सीखना है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, एंड कमेंट करके बताएंगे कौन सा वाला स्टॉक आप चूज कर रहे हैं। आई वांट यू ऑल टू यू नो ट्रैक इट,
लोग बोलते हैं ना, आप बस आते हो, कहीं स्टेटस आते हैं, बताते चले जाते, भूल जाते क्या बताए थे। भाई मैं नहीं भूलना चाहता, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू एटलीस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मैं ये 3 स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या मैं 4 की लेता हूँ, कौन कौन से स्टॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कमेंट करके बताना, और उसको ट्रैक करो ना हर 2-4 दिन के अंदर। और जो हमने इस वीडियो में समझा तो वो किस तरीके अपने कॉमेंट थ्रेड पे आके कॉमेंट कर सकते हो, मेरी नजर भी जाएगी। तो प्लीज अपने अपने स्टॉक्स को कॉमेंट कर दो, कौन कौन से, ज्यादा मत लेना, 10-10 ले लोगे तो नहीं ट्रैक कर पाओगे, 4 मैक्सिमम ले लो, 4 कॉमेंट कर दो, देख लो कौन से ज्यादा लोगों ने यूज कर लिया, आप बोला लो जो सुनना लिया हो, अपने कमेंट थ्रेड पे डेट के साथ डालो कि अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, कि ऐसा हो रहा है। तो इससे क्या सीखने का जो लेवल है कितना हाई हो जाएगा, लोग कमेंट्स पे आकर के देखेंगे, बातें करेंगे, डू समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी, फॉर द ट्रेडर्स पीपल जो कर रहे हैं, जो जेन्युइनली ट्रेड करते हैं। ठीक है, चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई विल सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय, थैंक यू सो मच। All right guys, so I hope you really enjoyed such a long video and I want to congratulate you भाई, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा patience है और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा passion है इस चीज़ को pursue करने का। अगर तुमने discipline लिया अपनी life में, you can become a great trader. So I congratulate you, आप इतना लंबा video देख पाए, I hope आपने notes बनाए होंगे और अब आप comment करेंगे आप कौन से 4 stock पकड़ रहे हैं और उन 4 stock के thread में आपको reply करना है हर 3-4 दिन बाद आके, इसमें ये हुआ ताकि हम सब लोग as a community साथ में practically हो पाए, नॉट विथ बैक टेस्टिंग विथ फॉरवर्ड टेस्टिंग एज वेल, इस कम्युनिटी को, इस बूमिंग बुल्स चैनल को वैल्यूएबल बना पाए हम सबके लिए। ठीक है, तो आई होप यू गाइस विल टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमेंट योर स्टॉक्स कौन से आप ट्रैक करने वाले हैं, एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली रिस्पॉन्स अबाउट माई सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। लास्टली ये बोलूंगा, अगर आपको ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इस ट्रेड करने के लिए अगर आपको कोई डीमैट अकाउंट सजेशन चाहिए, बेस्ट इज Zerodha, Zerodha और सेकंड बेस्ट इज अपस्टॉक्स, बाकी सारे क्या बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं और सर्विस उतनी प्रॉम्प्ट नहीं होती है, तो Zerodha एंड अपस्टॉक्स बेस्ट है। आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाते हो आप अपनी Zerodha या अपस्टॉक्स आईडी DEMAT@boomingbulls.com पे जरूर भेजा करना, बाद में बताऊंगा क्या होगा उससे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।